गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं इनका ब्लड डोनेट करने। इनका खून ज़्यादा खोलता है तो आज इनका ब्लड डोनेट ही करेगा। क्या बढ़िया था गुरु। ज़्यादा अच्छा है, किसी का भला हो जाएगा। मैं अभी इसलिए डोनेट नहीं कर सकता, पता नहीं, मेरा मन तो बहुत है वही डोनेट करो, लेकिन पापा के बिना परमिशन के कर नहीं सकते ना, इसलिए क्यों नहीं कर सकते तो करो, कर दूं? हाँ, लेकिन मेरी एज वाले कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। ठीक है, मैं अभी पूछता हूँ, बाकी मम्मी का तो मम्मी तो करेंगी। तो अभी चलते हैं, ब्लड डोनेट करवाते हैं इनका। ज़्यादा खून खोलता है ना, इसलिए करना चाहिए ब्लड डोनेट, है ना? सही बात बोल रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? खून फैलाने वाले काम करता है। अरे कहीं नहीं, मैं ब्लड डोनेट करके घर आ गया था और लंच करने के बाद मैं सो गया क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। एंड यूजुअली मैं सोता नहीं हूँ नॉर्मली दिन में, बट फिर भी मेरे को आज ये था कि भाई ब्लड डोनेट कराया तो थोड़ा रेस्ट करो। आज मैंने भी डोनेट किया, मैं सोचा मेरे को भी जाना चाहिए। जब मैं गया वहाँ पर तो उन्होंने बोला कि मम्मी का डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें थायराइड था, और मैं डोनेट करके आ गया। सही है, वहाँ पर ऐसा फीलिंग हो रही थी मतलब जैसे कि कोई आप बहुत बड़े स्टार हो क्योंकि वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बोला कि आपकी एज कितनी है, तो आप मतलब पहली बार करा रहे हो? तो मैं हाँ भाई पहली बार करा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब आपने सही टाइम पे करवा रहे हो आप, हमने तो 27-28 की एज पे कराया था तो आप बिल्कुल सही टाइम पे करा रहे हो। तो बड़ा अच्छा फीलिंग आई थी, उन्होंने रिस्पेक्ट के तौर पर मेरे को एक वो दिया था, मतलब माला पहनाई थी, जो भी था सेंस ऑफ रिस्पेक्ट था ये। तो अच्छा लगा आज ब्लड डोनेट करके, और आप सबको भी ज़रूर करना चाहिए। और अभी मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, हवा अच्छी चल रही है, और मैं जाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद कहीं घूमने, ऐसे ही देखते हैं कहाँ जाते हैं। बाकी मिलता हूँ थोड़ी देर बाद।